आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विद्या भारती स्कूल में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई मुहिम पर हर घर तिरंगा अभियान की तारीफ की और इसे सफल बताया। साथ ही सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न योजनाओं से भी जनता को अवगत कराया। स्कूली शिक्षा में हुए बदलाव, आगे आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया और आगे क्या कुछ का सुनाते हैं आपको। इस प्रकार से इतने सारे हमारे देश का आन बान शान तिरंगा लहरा रहा है, जिस प्रकार से भारत माँ की गूंज हो रही है, ऐसा माहौल मैं समझता हूँ कि शायद 1942 में, हम तो नहीं जानते, उसका वर्णन कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिलता, लेकिन शायद 1942 में रहा हो, क्योंकि तब तक देश ने तिरंगा स्वीकार कर लिया था। शायद 1947 में रहा हो, जब देश हमारा स्वतंत्र हो गया था, यहाँ की जो ब्रिटिश हुकूमत थी वहाँ से, यहाँ से समाप्त होकर के प्रस्थान कर चुकी थी, शायद उस समय रहा हो। लेकिन अभी हम सभी साक्षी हैं, पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे करोड़ों की संख्या में, अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो 5 करोड़ से कहीं ज़्यादा झंडे लोगों के घर घर में, गली में, मोहल्ले में, बाजार में, दुकान पे, संस्थान में, तमाम सारी जगह इतने सारे झंडे कभी देश में नहीं निकले होंगे। और हर एक के मन में, दिल में जो देशभक्ति और देश प्रेम का जो भावना था, वो एक ऐसा नमूना था जो मैं समझता हूँ कि पूरे देश को एक माले में पिरो दिया, उस देशभक्ति में, देश प्रेम में। पूरे दुनिया में एक संदेश गया कि भारत हमारा एक है और वो भारत इस तिरंगा के नीचे कुछ भी करने के लिए प्रणबद्ध है। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लाल किले के प्राचीर से सुना होगा, पिछले साल जब वो संबोधन कर रहे थे 15 अगस्त 2021 को, तो उन्होंने कहा था कि हम एक अमृत काल में प्रवेश करने वाले हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, जब देश आज़ादी का 100वां साल मना रहा होगा, हम कैसे होंगे, उसको सोचने की ज़रूरत है। और उसको सोच करके वैसा करने की ज़रूरत है कि जैसा हम सोच रहे हैं अपने देश के बारे में, क्या हम वैसा होंगे कि नहीं होंगे, उसमें हमारा क्या योगदान होगा। हम जिस किसी रूप में हो, हम एक विद्यार्थी हो, जो मुझे बताया गया कि 1952 में, आज से 70 साल पहले, आदरणीय नानाजी देशमुख ने गोरखपुर में पहले संस्कृत शिशु मंदिर का शुभारंभ किया था। शायद उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जब इसकी 70 साल पूरे होंगे तो ये एक जो बीज उन्होंने बोया था गोरखपुर में, 13,000 अपनी शाखाएं खोल देगा पूरे देश में। एक छोटी सी संख्या से उन्होंने गोरखपुर में प्रारंभ किया होगा और आज लगभग 36 लाख विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा, बल्कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार, अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के लिए प्रतिबद्धता, अपने समाज के लिए प्रतिबद्धता, ऐसे संस्कार डाल रहा होगा पूरे देश के कोने कोने में। और मुझे बताया श्री कुमार जी ने कि अब इसकी शाखाएं विदेशों में भी इसकी शाखाएं जाने लगी हैं, तो मैं समझता हूँ इसका भविष्य कितना उज्जवल है। तब जबकि अमृत काल, जिसका अभी 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारी अमृत काल की पहला प्रभात है, यानी अमृत काल यहाँ से शुरू हो गया है, देश एक नए दिशा में चल चुका है। उन्होंने इस दिशा को चलने के लिए पंच प्राण की बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा पंच प्राण की बात की उन्होंने। वो पंच प्राण है, पहला प्राण संकल्प, बगैर संकल्प के कोई भी सिद्धि नहीं होती। अगर 1942 में देश ने संकल्प लिया, भारत छोड़ो, विदेशी भारत को छोड़ के जाओ, और उस संकल्प की सिद्धि 1947 में 5 साल के बाद हुई। ऐसे जो संकल्प
हमारे देशवासी लेंगे, उस संकल्प की सिद्धि आप 2047 में, जैसा मैंने कहा अमृत काल के बारे में, हम सभी भगवान ने हमें एक ऐसी हमें शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है कि चाहे हम 247 में रहें या न रहें, मालूम नहीं इसमें से कुछ लोग न भी रहेंगे और बहुत सारे लोग रहेंगे भी, लेकिन हम अपने विचार शक्ति से अपने आप को 2047 में पहुंचा सकते हैं और सोच सकते हैं उस समय सरसी शिव मंदिर कैसा होगा, उस समय हमारे विद्यार्थी कैसे होंगे, उस समय हमारे बाजार कैसी होगी, उस समय हमारे मजदूर की, किसान की, उनकी कैसी स्थिति होगी, उस समय हमारा देश कहाँ पे होगा, ये सब तमाम सारी चीजें अपने विचार शक्ति से यहाँ बैठे बैठे हम सोच सकते हैं और फिर हम उसके साथ संकल्प ले सकते हैं। हम उस भारत को देखना चाहते हैं जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज हम विकसित भारत है, विकसित नहीं बल्कि विकासशील भारत है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग से 2047 में अगले 25 साल की यात्रा हमें डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में ला दे, जो कि एक विकसित देश के रूप में हम हो जाए, वो हम सोच सकते हैं कि हमारे देश की गांव कैसे होंगे, शहर कैसे होंगे, खेती किसानी कैसे होगी, फैक्ट्री कैसे चलेंगे, क्या क्या हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें हम आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने देश के लिए पूरे दुनिया को देने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर रहे होंगे, ये सारी अपनी संकल्प शक्ति से हम ले सकते हैं और उस संकल्प पे हम लोग चल सकते हैं, और एक बार जब देश चलेगा तो ये 2047 का लक्ष्य